हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। 2 मार्क्स का मतलब इसे दो प्रश्न आएगा, एक तो 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। जो 2 नंबर का आएगा वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में देगा, 2 प्रश्न देगा, एक 2 समीकरण दे देगा, उसको दोनों समीकरण को यदि आप संतुलित कर लेते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और 4 मार्क्स का जो होगा वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में देगा कि कहेगा कि इसको संतुलित करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कितने आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखने। तो आइए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, हमने कुछ यहाँ पर समीकरण लिखा है, क्या हमने कुछ यहाँ पर समीकरण लिखा है, इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। तो लेकिन इसको हम संतुलित करना सीखने से पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा कुछ बात को जान लेते हैं, कि जो बात को कुछ जान लेंगे तो हमको संतुलित करने में बहुत ही आसानी होगी। तो मान लेते हैं, जैसे हमें कोई भी समीकरण, इसी समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करना है तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी संख्या जो ज़्यादा है। तो इसमें वो हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है और सब एक एक बार है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को हम संतुलित करेंगे। तो इधर भी हमारे पास 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इधर हमारे पास 1 है तो यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें, क्या यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें 2, वो हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास वो कितनी बार है, इधर 2 है और वो हमारे पास कितने हैं, इधर भी 2 है। आप इसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आपको लिखा होगा O2 तो इसको आप 2O भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी इधर भी 2O है, इधर भी 2 है। तो ऐसे ही हमारे पास ये हो गया। अब हम मैग्नीशियम, ये Mg है, इसको संतुलित करेंगे। तो इधर हमारे पास Mg कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन Mg इधर 1 बार है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास Mg ये संतुलित हो गया। अब देखिए, वो हमारे पास 2 था तो वो इधर भी 2 हो गया, Mg हमारे पास ये 2 है तो Mg हमारे पास 2 हो गया। तो ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम इसको दूसरे वाले को संतुलित करेंगे, तो इधर देख लीजिए, इधर भी हमारे पास H है, इधर H हमारे पास 2 बार है, Cl भी 2 बार है, दोनों 2 बार है, तो इन दोनों में से किसी भी एक से संतुलित करेंगे। तो हमारे पास H को ही पहले संतुलित कर रहे हैं, तो हम H हमारे पास 2 है, इधर H हमारे पास 1 बार है, यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास H 2 हो जाएगा, इधर भी H 2 हो जाएगा, और Cl हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास Cl, इसमें 2 का गुणा हो गया तो Cl भी हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा है Na प्लस H2O और इधर हमारे पास दे दिया है NaOH प्लस में हमारे पास H2 है, तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देख लीजिए, इस H को हम यहाँ पर न लिखकर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं H2, यह लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। तो इधर हमारे पास H 2 बार है, लेकिन H इधर हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है, 1H यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, तो 3H हो गया, लेकिन यहाँ पर 2H है। तो हम इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो यदि हम इसमें, यदि हम H को यहाँ पर हम 4 कर दें, इस वाले H को हम 4 कर दें, 2 दुना कितना हो गया, 4, ऐसे हो जाता है, मतलब 2H और 2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास 4H है, 4H है, क्योंकि इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 दुना 4 हो गया, ये 4H हो गया, लेकिन इधर अब 3H है, तो यदि भी हम इधर भी 2 से गुणा कर दें तो ये हमारे पास 4H हो जाएगा। कैसे, क्योंकि H हमारे पास 2 हो गया और इधर हमारे पास प्लस में 2H है, तो 2, तो ये 2H और ये 2H, 4H हो गया, तो 4H हो गया। अब इधर देखिए, अब हमारे पास Na जो है 1 बार है, लेकिन Na हमारे पास कितनी हो गया है, 2 हो गया है, तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारे पास O, हमारे पास इधर
इधर हमारे पास ओ कितनी बार है, दो बार है, और इधर भी हमारे पास ओ कितने हो गया, दो बार हो गया। तो हमारे पास समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित हो गया। अब हम चौथे को संतुलित करेंगे। इधर हमारे पास H दो बार है और O भी दो बार है, इधर H दो बार है, O एक बार है। तो H तो हमारे पास संतुलित है लेकिन O संतुलित नहीं है, तो O को भी हम संतुलित करेंगे। तो इधर O दो बार है, इधर भी हम दो से गुणा कर दें तो O भी हमारे पास क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास पाँचवा जो है, पांचवा इसमें ए जी सी एल, और इधर हमारे पास ए जी प्लस में सी एल टू है। तो सी एल हमारे पास कितना है, दो बार है, इधर सी एल एक बार है। यदि हम इसमें दो से गुणा कर दें, दो से गुणा कर दें तो सी एल भी दो हो जाएगा और इधर भी सी एल दो हो जाएगा। लेकिन ए जी हमारे पास है, ये भी दो हो गया, ए जी इधर एक है, तो इसमें भी दो से गुणा कर देंगे तो ए जी अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमारे पास संतुलित ये भी हो गया। अब हमारे पास छवा जो है, इधर सी आर हमारे पास एक है और ओ टू हमारे पास कितना है, दो है। वो हमारे पास कितना है, दो है, लेकिन इधर दोनों सी आर भी एक है और वो भी एक है। तो हम कैसे संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास वो दो बार है, इधर वो एक बार है, तो इसमें हम दो का गुणा कर दिए तो वो भी हमारे पास दो हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, सी आर हमारे पास इधर दो है और इधर एक है, इसमें भी हम दो से गुणा कर देंगे तो सी आर दो हो गया, सी आर दो हो गया, ओ दो बार हो गया, ओ दो बार हो गया। अब देखिए, अब हम सातवें को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एच यहाँ पर है, इसको एच यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं। एफ ई हमारे पास कितने बार है, एक बार है, और यहाँ पर भी एफ मतलब एफ ई टू होना चाहिए, एफ ई टू ओ होना चाहिए। अब देखिए सातवें को देखिए, एफ ई इधर हमारे पास कितने है, एक बार है, एफ ई इधर कितनी बार है, दो बार है, कितनी बार है, दो बार है। इसको ऐसे कर लीजिए, अब देखिए एफ ई हमारे पास एक बार है, इधर एफ ई हमारे पास दो बार है, एच हमारे पास दो बार है लेकिन एच इधर हमारे पास एक बार है, तो और ओ एक बार है, ओ एक बार है, तो ओ तो हमारे पास संतुलित है, लेकिन एफ ई हमारे पास इधर दो है, इधर एक है, तो इधर हम दो से गुणा कर देंगे तो एफ ई हमारे पास दो हो गया और इधर भी एफ ई हमारे पास अब क्या हो गया, दो हो गया। लेकिन हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर दो है, इधर एक है, तो इसमें भी हम दो से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन दो हो जाएगा और ये हमारे पास संतुलित हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सात समीकरण संतुलित करना सिखाया है, आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब और कोई भी समीकरण दिया जाए तो आप संतुलित कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में, धन्यवाद।